सबसे पहले अपने गांव से आए और पूरे आसपास के इलाके के हर गांव से आप लोग यहां पे आए, पूरे नानोन कॉन्स्टिट्यूएंसी से और आसपास के इलाके से आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए इतनी गर्मी में, और खास तौर पे हमारी माताएं बहनें आज यहां पे आई हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने हमारा बहुत हौसला बढ़ाने का आज काम किया है। इस लड़ाई में जो बीजेपी से इस लड़ाई को हम जो बीजेपी के साथ संघर्ष कर रहे हैं बीजेपी सरकार के खिलाफ, इसमें आपके इस हौसले से ही हमारे हम संघर्ष में हमारे आगे कदम बढ़ते हैं। आज हमारा बहुत हौसला बढ़ा है और मैं सभी जिन लोगों ने आज के कार्यक्रम को सफल करने में अपना सबने जो मेहनत करी है, मैं सबको बधाई देता हूं। अपने भाई जस्सी को, क्योंकि इन्होंने जो है कार्यक्रम को लेने के लिए सबसे पहले आगे आए और इन्होंने दिन रात मेहनत करी, तो जस्सी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज आपने इतनी मेहनत करी। पूरे गांव सिसाए को, हमारे भाई बलजीत जी जो यहां से प्रत्याशी रहे हमारे, और पूरा गांव सिसाए, आप लोगों ने आज यहां पे छत्तीस बिरादरी ने जो आज आशीर्वाद दिया है। और ये गांव सिसाए गांव, मैं तीन बातें करूंगा, पहले सिसाए गांव की और फिर अपने जो है हमारे प्रदेश की राजनीति की और आगे की लड़ाई की। सिसाए गांव का हमेशा पूरा आशीर्वाद रहा और बहुत सिसाए गांव से मैं समझता हूँ एक बहुत अपनापन रहा। हमारे परिवार के साथ भी 1963 में जब दादाजी सिंचाई मंत्री थे पंजाब में, पंजाब एक ज्वाइंट पंजाब था, उस समय ये सिसाए मेजर बड़ा जो माइनर निकला था, उस समय वो नाइन माइनर उनकी कलम से उस समय निकला था। और 62 तक जब लोकसभा के सांसद थे तो उस समय ये इलाका रोहतक लोकसभा में आता था। जब चौधरी रणबीर सिंह जी लोकसभा के, तो यहां से लोकसभा के सदस्य के रूप में उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला 1952 से 1962 में, और 63 के अंदर जैसे ही वो मंत्री बने पंजाब में, तो पहला माइनर यहाँ पे जो मैं समझता हूँ आज तक जो गांव के अंदर पानी आता। और उसके बाद जब अपनी सरकार आई तो मैं गांव में आया था, तो आपने कहा था, गांव वासियों ने कहा था कि भाई माइनर तो जो है सिंचाई के पानी का तो इंतजाम करके गए थे, लेकिन पीने के पानी की डिग्गी डिपेंडेंट आपको बनवानी है। और मुझे ये अपनेपन की बात होती है, हमारे यहाँ से दोनों बार जब सरकार बनी यहाँ से विधायक चुनके हमारी कांग्रेस पार्टी का नहीं आया था, लेकिन अपनेपन में उससे कमी नहीं होती, अपना अपना ही होता है। आपने जब कहा तो मुझे याद है कि आपने ये कहा, मैंने कहा भाई अगर वो सिंचाई का पानी का दादाजी का आपने कह दिया तो अब तो कुछ भी करना पड़े, पीने के पानी की डिग्गी तो भाई मेरी जिम्मेदारी, मैं बनवाऊंगा। तो पीने के पानी की डिग्गी की बात हो, आपने मुझे याद है उस समय, चाहे डाटा तक की सड़क की बात हो, चाहे मॉडल पूरे जिले के अंदर एक मॉडल स्कूल बनना था नाम आया, चाहे स्टेडियम की बात हो, और इसमें भी कोई दोहराई नहीं, जो पिछला चुनाव था कांग्रेस के प्रत्याशी की हालात ठीक नहीं थी पिछले लोकसभा चुनाव में, लेकिन लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, लेकिन लोकसभा चुनाव में पूरे लोकसभा क्षेत्र में एक गांव में हुड्डा साहब का कार्यक्रम रखवाया गया, एक गांव में, और वो सिसाए गांव में रखवाया गया। और ये एक गांव था जहां से जो है पूरे हल्के में ये एक गांव था जहां से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी लोकसभा में जो बीजेपी में जा लिए वो जो लोकसभा के प्रत्याशी थे, मुझे पता है कि बहुत लोगों का को पहले से उनके बारे में सारी बात पता थी, जिताने का भी जी नहीं करता था, लेकिन गांव से आपने जिताने का काम किया इस गांव से, तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सिसाए गांव का बहुत बहुत कि। और फिर उसके बाद जब टिकट की बारी आई विधानसभा में, परिस्थितियां बनती हैं, आज हम ऐसे समय में आप और हम यहाँ बैठे हैं। अब मैं प्रदेश के बारे में दो बात आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसे समय में बैठे हैं जब चुनाव का डंका बज चुका है, डंका कब बजता है, लोकसभा का चुनाव एक साल के बाद निर्धारित है, हमारे संविधान में 5 साल में चुनाव होता है, 4 साल सरकार के होते हैं और आखिरी 1 साल जनता का सोचने विचारने का होता है। सरकार की नियत कार्यशैली और धरातल पे जमीन पे उनके काम 4 साल में आ जाते हैं और आखिरी साल सोच विचार के लोग फैसला करते हैं कि देश का प्रदेश का क्या भविष्य होगा। आज डंका बज चुका है लोकसभा के चुनाव में, तो 11 महीने रह गए और यह हिसाब लगाया जा रहा है कि शायद इस बार लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव भी हो, क्योंकि पीछे जब अमित शाह आए केंद्रीय गृह मंत्री भाजपा के 2 दिन के हरियाणा के दौरे पे, पहला दिन तो उनका प्रोग्राम रद्द हो गया, गोहाना में रैली थी आपको याद होगा, उस रैली में ज्यादा आदमी नहीं पहुंचे, जब ज्यादा लोग उस रैली में नहीं आए तो बीजेपी ने कहा कि भाई मैं ज्यादा सर्दी थी फरवरी के महीने में,
ज्यादा ज्यादा हो गया इसीलिए मौसम खराब की वजह से। मगर दूसरे दिन जब वो हरियाणा का उन्होंने सारा भ्रमण किया तो जाते जाते कह के गए कि बीजेपी कार्यकर्ता हो तैयार रहो, इस बार लोकसभा के साथ विधानसभा कराने पड़ सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि वो समझ गए कि ये जो भाजपा की सरकार है हरियाणा में, खट्टर सरकार, इसके पंजे उखड़ चुके हैं। और जो विधायक इन सरकार में है, बीजेपी के हो या जेजेपी के हो या निर्दलीय हो, ये किसी तरीके से लोकसभा तक तो डट जाएंगे, मगर लोकसभा चुनाव के बाद इनको डांटना मुश्किल हो जाएगा। तो बोला लोकसभा के साथ कह के गए। खैर, कहने का मतलब है एक साल में चुनाव, आपके सामने इस सरकार की क्या कार्यशैली रही मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप भुगत भोगी हो। 2014 से पहले जो हरियाणा देश में विकास दर में नंबर एक था, प्रति व्यक्ति निवेश में, प्रति व्यक्ति आय में हम नंबर एक पे माने जाते थे, हरियाणा के भाईचारे का मिसाल दिया जाता था, भाईचारे में देश में हरियाणा का जिक्र था, खुशहाली में देश में हरियाणा की बात थी, गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में देश में हम नंबर एक माने जाते थे, किसान के हितकारी फैसलों में, चाहे किसान के 1600 करोड़ के कर्जे की, बिजली के बिलों के कर्जे की माफी की बात हो जो कांग्रेस की सरकार में हुड्डा साहब के समय हुए, चाहे 2200 करोड़ के कोऑपरेटिव के कर्जे की बात हो, गरीब के चाहे 100-100 गज के प्लॉट की बात हो, चाहे मकान की बात हो, चाहे बड़े बुजुर्गों की पेंशन हो, चाहे खिलाड़ियों के सम्मान की बात हो, देश में हरियाणा का नाम था कि खिलाड़ियों के लिए अगर सम्मान कहीं है तो हरियाणा के अंदर है। और 10 साल अमन चैन, चैन शांति, आपस में भाईचारा, खुशहाली की तरफ हरियाणा बढ़ा। आज 9 साल की इस खट्टर सरकार के बाद उस हरियाणा पे और उस हरियाणा के विकास के सफर पे ग्रहण लग गया, विकास की पटरी से उतर गए, 19वें नंबर पे पहुंच गए विकास दर में, नंबर एक पे अगर आज हरियाणा पहुंचा है देश में तो बेरोजगारी में आज भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं मोदी सरकार के कि आज हरियाणा नंबर एक बेरोजगारी में, ना प्राइवेट की नौकरी आई, ना इंडस्ट्री आई, ना कोई औद्योगिक क्षेत्र लगे, ना सरकारी रोजगार मिले, जो सरकारी नौकरियां मिली एक के बाद एक भर्ती घोटाले की भेंट चढ़ गई, बहुत सी सरकारी नौकरी समाप्त कर दी गई केंद्र के स्तर पर भी, हरियाणा प्रदेश के स्तर पर भी, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, हर चीज की प्राइवेटाइजेशन, बड़े उद्योगपति घरानों के हवाले कर गई देश की संपत्ति, उस रस्ते पर चल पड़ी सरकार। यहां तक कि फौज की पक्की भर्ती होती थी, हर साल हरियाणा से 5,500 फौज में पक्की भर्ती होकर जाते थे, उस फौज की भर्ती को भी आज आपको पता है कि उस पक्की भर्ती की बजाय अग्निपथ योजना ले आए अग्निवीर, 5,500 पक्के भर्ते होते थे हर साल हरियाणा से, इस साल केवल 900 अग्निवीर लिए गए हरियाणा से, उनमें से भी आपको पता है केवल 200 के लगभग, यानी कि 1/4 चार साल के बाद पक्के किए जाएंगे, बाकी 700 घर वापस आ जाएंगे। आजकल रिश्ता करने जाते हैं कहते हैं कि फौज में है तो पता करना पड़ता है कि कौन सी फौज में है, यही बात है ना, और कई अग्निपथ वाली फौज में तो नहीं है कि 4 साल के बाद। तो आज ये स्थिति बन गई हरियाणा देश में नंबर एक बेरोजगारी में, हर घर में नौजवान बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई, बच्चे अपने परिवार पे कि जी बाहर भेजो, वो भी एक से एक, यहाँ जींद में मैं देख रहा था 100 से ज्यादा सेंटर बन गए जींद में, 5-7 साल पहले एक भी सेंटर नहीं था बाहर भेजने के लिए, 100 से ज्यादा सेंटर बन गए जींद में, हिसार में, कैथल में, रोहतक में, हर जगह बाहर जाने की तरफ, क्योंकि यहाँ पे रोजगार दिखता नहीं कि भाई जमीन बेचनी पड़े, कुछ खरीदनी पड़े, बाहर का रास्ता और उसमें धोखा मिलता है वहां जाकर। मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, ये खट्टर सरकार सदा के लिए नहीं है, आप विश्वास करो और धैर्य रखो, एक साल की बात बाकी है, ऐसी सरकार, खट्टर सरकार जिसने हरियाणा का ऐसा भट्टा बिठा दिया, ये सरकार जाएगी, आपकी सरकार आएगी, हरियाणा में नौजवानों की सरकार आएगी, हरियाणा के विकास के रास्ते पे लेके जाने की सरकार आएगी, आपके भविष्य के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे बेरोजगारी में नंबर एक बन गया हरियाणा, महंगाई में आज देश में नाम आ गया, 400 रुपए का सिलेंडर होता था, आज सिलेंडर की कीमत 1100 रुपए और 50 रुपए भी होली पे और बढ़ाए हैं, है 1200 जितने आज आपके सामने डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, अपराध में हरियाणा देश में आगे आ गया और भ्रष्टाचार में हरियाणा का देश में नाम हो गया। ऐसी सरकार जो भ्रष्टाचार के समझौते पे बनी हो, लोग नहीं चाहते थे इस खट्टर सरकार को दोबारा बनाना हरियाणा में। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 10 की 10 सीट आई थी 2019 में, 10 की 10 सीट आई थी,
80 सीटों पे बीजेपी की लीड आई, बीजेपी ने नारा दिया विधानसभा चुनाव में, उसके बाद 75 पार का खट्टर साहब ने नारा दिया, 75 पार का दिया था कि नहीं दिया था 75 पार का नारा, लेकिन 75 पार का नारा था, टीवी 85 पार दिखा रहा था सर्वे, लेकिन हरियाणा का मतदाता नहीं चाह रहा था, 75 पार का नारा हरियाणा के मतदाता को नहीं सुहा रहा था। 14 मंत्री उतरे उस सरकार के, अगर 75 पार की चाह होती हरियाणा के मतदाता के दिल में, उस सरकार को दोबारा बनाना चाहते खट्टर सरकार को, तो 14 में से मात्र 2 मंत्री, मुख्यमंत्री जी और अनिल विज, वो वापस पहुंचे विधानसभा में, बाकी 12 मंत्री लोगों ने वापस नहीं पहुंचने दिए 75 पार के नारे पे। लोगों ने कहा कि भाई हमको भाई 75 पार देखी जाएगी, लेकिन ये मंत्री वापस नहीं पहुंचना चाहिए। रोहतक से मनीष ग्रोवर आ रहे, तो बादली से जो आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कल उनका बयान आ रहा था ओम प्रकाश धनखड़ जी, वो बादली से आ रहे। कृष्ण पवार इसराना से आ रहे, तो रामविलास जी महेंद्रगढ़ से आ रहे, कविता जैन सोनीपत से हारी, तो नारनौंद से कप्तान अभिमन्यु हारे। जो सरकार, अगर सरकार की अच्छी कार्यशैली होती, लोग दोबारा बिठाना चाहते चंडीगढ़ के सिंहासन पे, तो कम से कम आधे मंत्रियों तो वापस जीत के जाना चाहिए था, लोगों ने साफ कर दिया। और बीजेपी के 75 पार की नारे की हवा निकाल दी, 40 पे सुई अटक गई, बराबर का कांग्रेस और बीजेपी की लग कशमकश चली, थोड़ी बहुत बीजेपी की सीट ज्यादा आई। लेकिन इस बीच एक और काम बना, एक कहता था 75 पार और दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। कौन क्या करता जमुना पार, क्या करता कि नहीं क्या करता? खट्टर साहब कहते थे 75 पार बीजेपी का नारा था, और दुष्यंत चौटाला क्या करते थे, बीजेपी वाले क्या करते थे, बीजेपी को करेंगे जमुना पार। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा निकलते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार, और चंडीगढ़ में बना दी भ्रष्ट सरकार, और जनता कर रही है हाहाकार। दो बातें कही थी उन्होंने, दो बातें कि बीजेपी को करेंगे जमुना पार और 5100 बुढ़ापा पेंशन। मुझे आज भी याद है वो दिन जब नतीजा आया जेजेपी ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भाई हमारी कंडीशन है 5100 पेंशन जो देगा। दो पहली बात तो भूल गए कि बीजेपी को करो जमुना पार, दूसरी बात क्या भाई 5100 पेंशन देगा उसको, उसके साथ हम समझौता करेंगे कांग्रेस देगी या बीजेपी देगी। तुरंत 31 विधायकों ने बैठ के हुड्डा साहब ने, हम लोगों ने 4 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 5 बजे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी दिल्ली में कि भाई पेंशन भी देंगे, क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र आपसे पहले कांग्रेस के घोषणा पत्र में है 5100 पेंशन। और हम 1 नवंबर तो हमने तारीख भी तय करी कि 1 नवंबर 2019 यानी कि 4 साल पहले शुरू हो जाती। हमने कहा भाई हमारे साथ आओ, लोगों ने इस सरकार को हराने के लिए मत दिया है, हमारे साथ आओ, 5100 पेंशन भी देंगे और भी कोई बात होगी पूरा आपको मान सम्मान भी देंगे, हमारे साथ आओ। उचाना में लोगों से पूछा दुष्यंत चौटाला ने क्या करना चाहिए, लोगों ने सबने कहा कि भाई कुछ भी करना लेकिन बीजेपी का साथ नहीं देना। मैं गलत तो नहीं कह रहा, ये कहा था कि नहीं कहा था, मैं कहना चाहता हूं, बोला कुछ भी करना बीजेपी का साथ ना देना। उचाना से गाड़ी चली जींद तक, रोहतक तक, बहादुरगढ़ दिल्ली बॉर्डर तक गाड़ी ठीक रास्ते पे चल रही थी। दिल्ली में बढ़ते ही दिल्ली की टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, नांगलोई नजफगढ़ पंजाबी बाग दिल्ली की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पे थलस्ती थलस्ती गाड़ी अमित भाई शाह के बाढ़ने के आगे रुक गई कि नहीं रुक गई। और वहां जाके भीतर चले गए, बाद में जाके बाहर कहा समझौता हो गया, 5100 की पेंशन पे समझौता हो गया, 75% रिजर्वेशन पे समझौता हो गया। एक तरफ भारत देश के गृह मंत्री खड़े थे, एक तरफ मुख्यमंत्री खट्टर साहब खड़े थे जिनको उस समय लोगों ने हरा दिया था, लेकिन उस समय समझौते के बाद दोबारा भावी मुख्यमंत्री बन गए थे। इससे ज्यादा कोई बड़ी संविधानिक पदों पे कोई नहीं हो सकता। उनके बीच में खड़े होकर कहा समझौता हो गया 5100 पेंशन का। मैं पूछना चाहता हूं अपने बड़े बुजुर्गों से, आज 4 साल हो गए इस सरकार को, आपकी वो 5100 पेंशन आ ली या नहीं आई?
आ रही है कि नहीं आ रही है? 5100 की पेंशन का समझौता नहीं था, पेंशन का समझौता नहीं था, हरियाणा को लूटने की छूट का समझौता था, आपके साथ विश्वासघात करने का समझौता था, आपको धोखा देने का समझौता था और अपनी जेब भरने का समझौता था। महकमे भी बांटे तो महकमे बांटे इस बात के नहीं बांटे कि उस किस महकमे में से कौन फालतू काम करेगा, महकमे इस बात के बांटे कि कौन ज्यादा किस महकमे से जो कौन सी ज्यादा कौन ज्यादा मलाई खाएगा, शराब का महकमा किसके पास जाएगा, एक्साइज का किसके पास जाएगा, पंचायत का महकमा किसके पास जाएगा और कौन सा खोपर है जो सरकार में बढ़ जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा, इनके विधायक कह रहे हैं कि भाई एक एक लाख कौन सा खोपर है जो सरकार में बढ़ के एक लाई जिम्मेगा, कह रहे इनके इतने इतना खुला भ्रष्टाचार। यहाँ के विधायक ने कहा कि भाई एक लाई जिमन लग रहा है, क्या जिम रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं राजनीति की नैतिकता में, क्योंकि 5100 आए नहीं, बुढ़ापा पेंशन आई नहीं, लोगों के विश्वास के साथ धोखा दिया, लोगों ने बीजेपी की सरकार पलटने के लिए वोट दी थी, आपने कहीं और जाके साथ दिया, आपने सौदेबाजी करी। मैं पूछना चाहता हूं जो दादा गौतम ने कही थी वो कौन सा खोपर है, मैं पूछना चाहता हूं, और वो एक जो एक लाख खोपर जीमन लग कौन सा खोपर है और वो क्या जीम रहा है, क्या जीम रहा है, मैं पूछना चाहता हूं। हरियाणा के ये भ्रष्टाचार का समझौता नहीं तो और क्या है, हरियाणा को लूटने का समझौता है खुले तौर पे, और ये सरकार चल रही है। मैं कहना चाहता हूं इन्हें एक और काम किया, आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर एक, महंगाई में नंबर एक, भ्रष्टाचार में नंबर एक, लेकिन लोगों को अपमानित करने में भी नंबर एक। अगर ये काम नहीं भी करते अपने काकाताओं से कहना चाहता हूं, बड़े बुजुर्गों से, अगर ये काम नहीं भी करते तो भी हम काम चला लेते अगर ये हरियाणा वासियों का मान सम्मान रखते, लेकिन इन्होंने तो हरियाणा वासियों के मान सम्मान को रौंदते हुए सरकार 4 साल तक चलाने का काम किया, हरियाणा वासियों के मान सम्मान पे चोट पहुंचाते हुए सरकार चलाने का काम किया। कोई ऐसा वर्ग नहीं है हरियाणा में जिस वर्ग को सड़क पे ना आना पड़ा हो अपने हकों के लिए, किसान से लेकर और मजदूर तक, और कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसका इन्होंने अपमान ना किया हो। कर्मचारी आए ओल्ड पेंशन स्कीम पे पंचकुला में, उन पे लाठी चार्ज, सफाई कर्मचारी ग्रामीण, सफाई कर्मचारी ग्रामीण चौकीदार अपना मानदेय बढ़ाने के लिए करनाल में गए, उन पे लाठी चार्ज, छोटे छोटे बच्चे स्कूल बंद हो गए, 9 साल से शिक्षकों की भर्ती नहीं, स्कूलों के आगे छोटे छोटे बच्चे बैठे, तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये विपक्ष ने बिठा रखे हैं। आंगनवाड़ी और आशा और हमारी महिलाएं आशा वर्कर वो करनाल में आई, उन पे लाठी चार्ज, यहां तक कि सरपंच सोचते थे कि छोटी सरकार है कम से कम थारा तम तो बचोगे, लेकिन सरपंचों को भी सड़क पे आना पड़ा और उनकी भी तसल्ली बिठाई गई। आपके सामने कोई वर्ग नहीं, खिलाड़ियों को आना पड़ा। मैं पूछना चाहता हूं हमारी सरकार थी तो लगभग 800 खिलाड़ियों को अलग अलग पदों पे बिना भेदभाव के नियुक्ति मिली थी, और देश में हरियाणा के युवा का नाम पूरे दुनिया के अंदर और देश के अंदर हरियाणा का युवा का नाम रोशन हुआ था बिना भेदभाव के। आज जो बीजेपी में है, हमारे पहलवान योगेश्वर दत्त उस समय डीएसपी भी भर्ती हुए थे, तो बबीता फोगाट बहन हमारी, उन देश का गौरव है ये, वो भी उस समय डीएसपी भर्ती हुई थी, तो हमारे जो खेल मंत्री हैं संदीप सिंह जी वो भी उस समय हुड्डा सरकार में डीएसपी भर्ती हुए थे। मैं पूछना चाहता हूं 9 साल एक किसी खिलाड़ी को नियुक्ति नहीं। साक्षी मलिक हमारी मोखरा की बेटी, जो पिछले ओलंपिक के अंदर 2 मेडल आए देश के, ओलंपिक के अंदर 2 ही थे इससे पिछले वाले में, इस बार तो बजरंग पुनिया का, रवि दहिया का मेडल, इस बार नीरज चोपड़ा के हमारे मेडल, पिछली बार 2 ही के मेडल थे पीवी संधु और साक्षी मलिक। आज तक साक्षी मलिक को नियुक्ति पत्र नहीं मिली, जंतर मंतर पे धरने बैठना पड़ा, कोई पूछने वाला नहीं है, उनको अपमान का सामना करना पड़ा। कोई ऐसा वर्ग नहीं, खिलाड़ियों से लेकर और गरीब आदमी, मनरेगा के मजदूरों के बजट 1/3 कम कर दिया, मनरेगा के बजट जो मजदूर निकले, मनरेगा के मजदूर जब निकले करनाल के अंदर, उन पे लाठी चार्ज, और किसान का जो अपमान किया वो आपका और मेरा दिल जानता है। 1 साल वो ऐसा बीता, किसान सड़क पे बैठा था लाखों की तादाद में, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहने इन धरनों पे बैठी थी, 750 किसानों के घरों के चिराग बुझ गए, हर रोज शव वापिस आते थे इन धरनों से, अभी जैसी बता रहे थे अपने गांव में, मगर हरियाणा पंजाब के गांव में शव वापिस आते थे,
और हर रोज देश की सबसे बड़ी पंचायत में मजाक उड़ाया जाता था। मैं आपका बेटा हूं, मैं आपके बीच में नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा। मेरा सौभाग्य भी है और मेरा दुर्भाग्य भी है। मेरा सौभाग्य है कि मैं पिछले 19 साल से देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य हूं। पहले 3 बार लोकसभा में रहा, इस बार लोकसभा चुनाव में जो हुआ मेरे साथ आपको पता है, लेकिन उसके बाद हमारी सीट आई तो राज्यसभा में जाने का अवसर मिला। मेरा सौभाग्य है कि मैं 19 वर्ष से शायद मेरी उम्र में इतना लंबा उस पंचायत में बैठने का अवसर देश में किसी और को ना मिला हो। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं और हरियाणा के हर व्यक्ति का मैं बहुत अपने ऊपर आभार मानता हूं, एहसान मानता हूं। लेकिन मेरा दुर्भाग्य भी था कि ऐसे समय भी मैं उस किसान आंदोलन के समय, क्योंकि हरियाणा के 15 सांसद हैं, 15 सांसदों में से 14 बीजेपी के हैं, 10 लोकसभा के और 5 राज्यसभा के, 14 बीजेपी के हैं। और जब एक अकेले विपक्ष के सांसद के रूप में वहां पहुंचते थे और वहां आवाज उठाते थे, क्योंकि वहां ना बोले तो क्या करें। हमारे काका था वो बैठे थे, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे थे अंदर, जाके जब बोलते थे कि भाई कम से कम इनकी बात नहीं मानते तो इनको इंसान मानो, इस देश का नागरिक मानो, सहानुभूति के 2 शब्द व्यक्त कर दो। किसी के घर का, किसी का बाप गया है, किसका बेटा गया है, किसका भाई गया है, ये बैठे हैं, इनके कोई किसी थोड़े छोटे मोटे किसी धरने पे किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो आप प्रशासन में हड़कंप आ जाती है। 750 घरों के चूल्हे बुझ गए, आप कम से कम खड़े होके कह दो कि इनकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन हमें दुख है, ये भी देश के नागरिक हैं। उनको देशद्रोही बताया जाता था, मजाक उड़ाया जाता था। जिस किसान का एक बेटा ट्रैक्टर का स्टेयरिंग पकड़ के देश को खाद्य सुरक्षा देता है तो दूसरा बेटा स्टेन गन पकड़कर पाकिस्तान और चीन की बॉर्डर पे देश को सुरक्षा देने का काम करता है। आज देश की पंचायत ने, सबसे बड़ी पंचायत ने, बीजेपी के मंत्रियों ने, हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री ने, उनका लगातार मजाक उड़ाया गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसा अकेलापन, मैं 19 साल से संसद का सदस्य हूं लेकिन वो एक साल ऐसा बीता ना तो संसद में हम आपस में बहस करते हैं बाहर, मगर के उसके बहस के बाद कैंटीन में सेंट्रल हॉल में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ चाय पीते, खाना खाते हैं और घर वापस आ जाते हैं। लेकिन उसे एक साल किसी दूसरे के साथ पानी पीने का जी भी नहीं करता था। जाके आपकी लड़ाई लड़ते थे और उसके बाद सीधा उन धरनों पर जाते थे या किसी गांव में जाते थे जिसका किसी का शव वापस आया हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई, ये तो मैंने अकेलापन जो मैंने महसूस किया होगा वो तो मेरा जी जानता है, लेकिन इस लड़ाई में, इस बीजेपी की सरकार जिसने हरियाणा का भट्टा बैठा दिया, इस लड़ाई में तो आप अकेला नहीं पड़ने दोगे। मैं आपसे आज पूछना चाहता हूं, बड़े बुजुर्गों से मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपको फैसला करना पड़ेगा, आपको फैसला करना पड़ेगा, अपनी अगली पीढ़ी के भविष्य के लिए फैसला करना पड़ेगा। क्योंकि इस समय भी अगर आप नहीं समझे और जागरूकता से फैसला नहीं किया तो आगे लड़ाई लड़ने के लिए, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, मैं समझता हूं आज हरियाणा के अंदर कोने कोने में मैं जा रहा हूं, आज हरियाणा में बदलाव, हर व्यक्ति के चेहरे पर बदलाव है। आज पिछली बार 19 में तो सरकार ये 75 पार की हवा निकाली थी, इस बार हरियाणा पूरे प्रदेश के कोने कोने में हरियाणा वासी बदलाव और परिवर्तन की तरफ देख रहे हैं। मगर आपको बड़ी समझ से और बड़ी सूझबूझ के साथ आपको और हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं नारनौंद से पूछना चाहता हूं, नारनौंद हल्के से पूछना चाहता हूं, सिसाए गांव से भी पूछना चाहता हूं भाई, इस लड़ाई में जब लड़ाई होगी, सीधी लड़ाई है, मिस फायर मत करना बीच में, मिस फायर नहीं, सीधी लड़ाई। एक तरफ ये हैं जिन्होंने हरियाणा का भट्टा बिठाया है और एक तरफ चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी। तो भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस लड़ाई में चौधरी छोटू राम कह के गए कि भाई ये बोले किसान, 2 काम करना, बोलना ले सीख और अपना ले पहचान। मैं पूछना चाहता हूं आपको, अपने पैराई की इस बार नारनौंद हल्का अपने पराई की पहचान करेगा कि नहीं करेगा, मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि एक साल है, आपका आशीर्वाद होगा तो लड़ाई लड़ेंगे। अपने घर में खड़े हैं, सिसाए गांव को मैं अपना घर समझता हूं भाई, मेरी कर्म भूमि है,
मेरी जन्मभूमि सांगी हो सकती है, लेकिन मेरे को आज से सही 10-11 साल पहले उपचुनाव था जयप्रकाश जी का, उस समय उपचुनाव में मुझे जो है नारनौंद हल्के की ड्यूटी लगी थी। तब से लेकर आज तक मैंने अपना घर परिवार, भाई मेरी जन्मभूमि सांगी गांव हो सकती है लेकिन मेरी कर्म भूमि भाई सिसाए गांव और नारनौंद हल्का, ये मेरी कर्म भूमि है मैं कहना चाहता हूं। तो भाई तो हमारा ये हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम, आखिर में मैं 5-4 संकल्प बोलता हूं कि भाई हमारे संकल्प हम करते हैं हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम के, कि भाई हम आगे लड़ाई लड़ेंगे। किस बात के लड़ाई लड़ रहे हैं हम? संकल्प 3-4 हमारे संकल्प आपके सामने मैं दोहराना चाहता हूं। प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव पारित है तो एक बार हाथ खड़े करके बताना। पहला संकल्प, हाथ से हाथ जोड़ो, यानी कि हरियाणा की 36 बिरादरी के हर भाई को दूसरे भाई से प्यार और प्रेम से जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो। ये पारित है क्या संकल्प भाई? हाथ से हाथ जोड़ो। दूसरा संकल्प, हाथ से हाथ जोड़ो हरियाणा के कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ो। हाथ से हाथ जोड़ो हरियाणा के हर परिवार को, क्योंकि आज के दिन बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल, महंगाई ने हर घर का बजट बिगाड़ दिया, तो भाई उससे भी राहत देने की जरूरत है। तो जैसा कि हमारी हिमाचल की सरकार, कांग्रेस की सरकार बनी, सुखू मुख्यमंत्री बने, आते ही हमने फैसला, तो भाई हाथ से हाथ जोड़ो, तो 12,000 एक घर में एक तनख्वाही आ जाए, तो ताकि हरियाणा का एक, और हाथ से हाथ जोड़ो हर परिवार को, जो राजस्थान में गहलोत सरकार ने किया है, हाथ से हाथ जोड़ो हर परिवार को 500 रुपए में सिलेंडर से जोड़ो। अपने टाइम में 400 था लेकिन 500 का जो हमारी राजस्थान की सरकार ने किया है, 500 रुपए सिलेंडर से जोड़ो। ठीक है, ये सारे संकल्प राज्य संकल्पों में, और भाई हाथ से हाथ जोड़ो, और भाई आपस में भाई जो है आपस में एक दूसरे को जोड़ो, और भाई नारनौंद हल्के को कांग्रेस से जोड़ो, नारनौंद हल्के को हुड्डा साहब से जोड़ो। ये संकल्प भाई, ये संकल्प बताओ। तीसरा संकल्प एक बार हाथ ठाके भाई, और देखो ये आखिरी एक बात कह के बात समाप्त करता हूं। ये फेर गड़बड़ कर सकते हैं, आपके बीच में आ सकते हैं तरह तरह की बात करके, इस बार ये आपके बीच में आएंगे बहकाने के लिए। कोई जेजेपी वाला आएगा, कोई दूसरी पार्टियों वाले आएंगे, बहकावे में तो मन नहीं आओगे। जितना अपनापन नारनौंद से दीपेंद्र मान रहा है उतना अपनापन मानोगे बताओ भाई? बहुत बहुत धन्यवाद।